मियां भाई कमाल करते हो, ऐसी गेंदबाजी कैसे करते हो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। यह बात तो सही है कि सचिन तेंदुलकर अगर किसी बल्लेबाज की तारीफ कर दें, किसी गेंदबाज की तारीफ कर दें, तो यकीन मानिएगा उस खिलाड़ी के अंदर कुछ तो टैलेंट रहा होगा। क्योंकि सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा अक्सर कम खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं, लेकिन जिस खिलाड़ी की भी तारीफ करते हैं उस खिलाड़ी ने आगे आकर इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर किसी भी मंच पर बेहतर प्रदर्शन जरूर किया होगा। उसको सचिन तेंदुलकर ने उसकी काबिलियत को परखा और उसके बाद में फिर सचिन तेंदुलकर उसकी तारीफ करते हैं। और हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने एक शानदार खिलाड़ी की तारीफ की है, गजब का गेंदबाज है, नाम है मियां भाई, मतलब मोहम्मद सिराज, जिनको मियां भाई टीम इंडिया में कहा जाता है प्यार से, लेकिन मोहम्मद सिराज। देखिए, मोहम्मद सिराज के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो सिराज एक ऐसे गेंदबाज है जिन्हें हाल ही के कुछ सालों में टीम इंडिया में अपनी धाक जमाई है, अपनी पहचान बनाई है, अपनी गेंदबाजी से दिखाया है कि इस गेंदबाज में कला है विकेट चटकाने की, बल्लेबाजों को परेशान करने की, गेंद को स्विंग करने की, मुश्किल पिचों पर भी विकेट चटकाने की इस गेंदबाज के अंदर कला है। और इस गेंदबाज ने खासतौर पर अगर मैं जिक्र करना चाहूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा, ये मैं आपको बताऊंगा और आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। वास्तव में मियां भाई कमाल के गेंदबाज हैं। दरअसल मैं जिक्र करना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया का, जब एडिलेड टेस्ट, याद होगा आपको एडिलेड टेस्ट, जब अजिंक्य रहाणे उस टेस्ट मैच में कप्तान थे और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर ही हराया था और सबने भारतीय टीम की तारीफ की थी और उस जीत के नायक एक तरीके से हम कह सकते हैं मोहम्मद सिराज को, गजब की गेंदबाजी की थी, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों को आउट किया था और टीम इंडिया के लिए जीत आसान कर दी थी। तो उस टेस्ट मैच का जिक्र करते हुए सचिन तेंदुलकर से जरा सा दरअसल एक शो के दौरान पूछा गया मोहम्मद सिराज के बारे में कि आप मोहम्मद सिराज को किस तरह से देखते हैं, उनकी गेंदबाजी को किस तरह से देखते हैं, टीम इंडिया में आप उनकी क्या पोजीशन समझते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने बड़ा शानदार जवाब दिया, उन्होंने कहा, सबसे छोटा अगर मैं आपको लाइन में बताऊं कि मोहम्मद सिराज क्विक लर्नर है, मतलब बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये अगर कॉम्प्लीमेंट सचिन तेंदुलकर मोहम्मद सिराज को दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर मोहम्मद सिराज का भविष्य बड़ा बेहतर है, बहुत उज्जवल है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अगर उनको बोल दिया है कि आप बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत क्विक लर्नर हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी काबिलियत का पता सचिन तेंदुलकर को है। और उन्होंने, सचिन तेंदुलकर ने एडिलेड टेस्ट का भी जिक्र किया कि देखिए उस पहले ही टेस्ट मैच में किस तरह से इस गेंदबाज ने गेंदबाजी की, किस तरह से भारत को मैच जिताया। तो अगर किसी गेंदबाज के अंदर वो काबिलियत है कि विदेशों में जाकर, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के सामने, जिस टीम में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर जैसे प्लेयर हों, उस टीम के खिलाफ अगर आप विकेट लेते हो, उसके घर में ही जाकर आप उस टीम को हराने में टीम इंडिया की मदद करते हो, तो जाहिर तौर पर वो काबिल तारीफ है, शानदार गेंदबाजी कह सकते हैं। और अब एक बार फिर से टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका में मोहम्मद सिराज के ऊपर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि सिराज कमाल के गेंदबाज हैं। और अब जगह बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद शमी टीम में है, जसप्रीत बुमराह टीम में है, उसके बाद में शार्दुल ठाकुर टीम में है, कितने गेंदबाज खिलाए जाएंगे, उमेश यादव भी टीम के साथ गए हैं, तो क्या जगह बनेगी नहीं बनेगी, क्या खिलाया जाएगा कि नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन वास्तव में जाहिर तौर पर अगर सचिन ने तारीफ की है तो मोहम्मद सिराज के अंदर कुछ तो काबिलियत उन्होंने देखी होगी, कुछ तो उनके अंदर खूबियाँ सचिन ने देखी होगी। आपका, अगर मैं आपसे पूछूं, आप मोहम्मद सिराज को किस तरह से आंकते हैं, किस तरह से उनकी गेंदबाजी को आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि एक टेस्ट मैच फॉर्मेट में मोहम्मद सिराज को परमानेंटली जगह देनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए लगातार, क्योंकि मोहम्मद सिराज आज सुबह से ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहे हैं, लोग उनकी तारीफ में लगातार कसीदे पढ़ रहे हैं, लोग उनकी तारीफ लगातार ट्विटर पर भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी अब मोहम्मद सिराज ट्रेंड करने लगे हैं, उनकी तारीफें अब सोशल मीडिया तक भी आने लगी हैं क्रिकेट के मैदान के बाद। तो आपका सिराज को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये भी बताइए कि अफ्रीका जैसी पिचों पर, जहाँ पर गेंद स्विंग होगी, जहाँ पर गेंदबाजों को बहुत मदद मिलेगी, क्या वहाँ इस गेंदबाज को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए। आपका जो भी मानना हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।